हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं सिंगल कलर में स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इस डिज़ाइन को आप भी बना सकते हैं दोस्तों। इस डिज़ाइन को कैप में, स्वेटर में, जैकेट में, इस डिज़ाइन को आसानी से आप डाल सकते हैं। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा। इससे कि अगर आपने पहले हमारी ये वीडियो को पहले देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा दोस्तों। ये 5x3 के मल्टीपल पे बना हुआ है, यानी कि ये पूरे ये तीन एट एट फंदों का ये डिज़ाइन है। ये हमारा एट एट फंदों का ये डिज़ाइन बनता चला गया है। इसमें 10 लाइन में बुना गया है। तो अब इसको शुरू करते हैं कि किस तरीके से बने। इसको बनाने के लिए हमने ये 3 5 3 5 हमने फंदे डाल रखे। इसमें डिज़ाइन के हिसाब से हमने इसमें डालेंगे। तो फर्स्ट रो हमें शुरू करते हैं, क्या करना है। 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और 1 2 3 4 5 सीधे, फिर 3 उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 5 सीधे, 3 4 और 5 3 उल्टे। डिजाइन की फर्स्ट रो है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे हम उल्टे ही बुनते चले जाएंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सभी फंदों को हमें उल्टे ही बुनते चले जाना है। तो मैं पूरा बुन के आपको दिखाती हूँ। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो में उल्टे की जगह पे उल्टे और सीधे की जगह पे सीधे बुनना है। 3 फंदा हम उल्टा और 5 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए और 5 फंदे सीधे, जो जैसे है वैसे ही हम बुनते चले जाएंगे। 3 उल्टे, 5 फंदे सीधे। इस तरीके से हमें इस डिजाइन को, लाइन को कंप्लीट। थर्ड हमने रो बुन लिया है। फोर्थ रो में जो जैसे वो पूरे फंदे हमें उल्टे की तरफ से बिल्कुल ही उल्टे सीधे बुनते हम चले जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है। तो मैं बुन के आपको फोर्थ रो भी उसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। उल्टे की जगह पे उल्टे और सीधे की जगह पे सीधे बुनना है। इसको हमें इसी तरीके से 8 रो यानी कि 8 लाइन हमें इसको बुनना है। 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, यानी जो जैसे फंदे हैं उसको उसी तरीके से हमें बुनते चले जाना है। तो मैं 8 रो आपको बना के दिखाऊंगी दोस्तों। ये हमारी 8 लाइन हो चुकी है। 1 2 3 4 यानी कि 4 सीधे और 4 उल्टे फंदे, ये 8 लाइन अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा ये डिजाइन अब बनेगा कि अब आगे का मैं बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बनेगा दोस्तों। अब क्या करना है, हमें फंदों को मोड़ना है। जो 5 फंदे सीधे थे उसको हमें यहाँ पे ले आना है और इसको सीधे बिनना है। हमने सीधे बुन लिए और ये जो 3 फंदे उल्टे थे उसको सीधा बुन लेंगे। 1 2 और ये 3, 3 फंदे हो गए हमारे सीधे। अब ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे। ये जो ये डिजाइन है हमने इधर ये ले लिया है। अब ये 3 हमारे फंदे उल्टे हो जाएंगे। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, एक इधर वाला सीधा फंदा लेंगे और एक इधर वाला सीधा फंदा लेंगे। तो 3 फंदों को हम गिरा लेंगे इसमें। 4 फंदे हम गिरा लेंगे
और एक ये सीधा वाला फंदा है। यहाँ वाला सीधा फंदा हम बुनेंगे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, सीधे बुनेंगे, इनको हमने बुन लिया। अब ये फंदा हमारा यहाँ जाएगा, ये इस तरीके से हमारा इधर वाला सीधा फंदा हमने उसको बुन लिया है, इधर वाला सीधा इधर आएगा। और बीच के फंदे हम क्या करेंगे, ये जितने हैं इस फंदे को हमने बुन लिया है, सीधे बुनेंगे, 1 2 3 3 फंदे हो गए, ये 2 फंदे हो गए हमारे, और ये किनारे किनारे सीधे फंदे हैं, ये बीच में 3 फंदे हमारे आ गए, और एक फंदों को हमने मोड़ा है, इसे भी सीधा बुन लेंगे, तो ये हमारे 5 फंदे आ गए, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमारे आ गए, सीधे हो जाएंगे। अब बीच में 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे हो गए, यानी कि इस डिजाइन को अब इस पे हमें शिफ्ट करना है। अब ये किनारे वाला एक सीधा फंदा है, तो क्या करेंगे, इन 3 फंदों को हम आगे ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, ले आने के बाद इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, उल्टे के बाद हमें सीधा बुनना है, 1 2 3, ये 3 फंदे हमारे उल्टे किनारे पे थे, तो एक हमारे इधर सीधा आ गया है, तो यहाँ पे ये 4 फंदे हो जाएंगे। यानी कि देखिए इस डिजाइन को हमें, ये जो हमने बुना था, अब ये डिजाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो सीधे फंदे हैं, और उल्टे वाले इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, रॉन्ग साइड से हम ये बुन। अब हमारा ये डिजाइन एक तैयार हो गया है, रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टे बुन लें। नवी लाइन में हमने फंदे को ट्विस्ट किया है, ये 10वीं लाइन है, ये 10th रो में ये डिजाइन हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को हम उल्टे ही बुन रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना। फिर मैं एक बार बताऊंगी, जो जैसे फंदे हमें वैसे ही बुनना है। ये सीधे वाले फंदे हमारे इस पे उल्टे उल्टे फंदे पे आ गए हैं हमने मोड़ने के बाद, और इस पे 3 फंदे हमारे उल्टे आ गए हैं, ये फिर दूसरी डिजाइन की 1st रो है। अब यहाँ पे 5 फंदे यहाँ पे हमने ट्विस्ट किया है, मोड़ा है, तो 5 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसी तरह से 8 रो हमें बुनना है, तो मैं बाकी का लाइन आपको बुन के दिखाऊंगी। ये देखिए ट्विस्ट करने के बाद इस तरीके से कुछ ये डिजाइन आया है, यानी एक दूसरे पे ये डिजाइन को शिफ्ट करना है, तो मैं 8 रो फिर बना के आपको दिखाऊँ। ये 8 रो हमने बुन लिया है, 1 2 3 4, यानी कि 4 सीधे 4 उल्टे, हमने 8 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब इस डिजाइन को यहाँ पे शिफ्ट करना है, इस डिजाइन को यहाँ पे शिफ्ट करना है, और हमें ये जो किनारे वाले हैं इसको ट्विस्ट करना है। जिस तरीके से ये हमारा ये गया है, हमने मोड़ा है, उसी तरीके से हमें इसमें ट्विस्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू में हम 3 फंदे उल्टे लेंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से 3 फंदा हम उल्टे लेंगे। अब यहाँ पे हमारा उल्टा है बीच में, तो इस फंदे को हम यहाँ ले आएंगे और इस फंदे को यहाँ ले जाएंगे, तो बीच का फंदा हम 5 फंदे हम गिरा लेंगे। गिराने के बाद इसे उठाएंगे और इस वाले सबसे आखिरी वाले इस साइड का हमने सीधा फंदा हमें सीधे बुनना है, उल्टे हमने बुना है, धागा आगे करेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। अब ये वाला फंदा हमारा यहाँ जाएगा, क्योंकि हमने उतारा नहीं था, इन 3 फंदों को हम उतार लेंगे, ये फंदा हमारा लास्ट में आएगा। ये जो हमारे सीधे फंदे थे ट्विस्ट हो गए हैं, और बीच का फंदा जैसे है वैसे ही रहेगा। अब ये उल्टे जो थे फंदे हम
सीधे बुन लेंगे। एक हमने सीधा बुन लिया है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ये हमारा ये ट्विस्ट हो गया हमारा डिजाइन। फिर बीच में हमारे 3 उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3। ये हमारा जैसे यहाँ पे डिजाइन था, अभी उल्टा वाला फंदा यहाँ पे साइड में था, अब इस पर ये शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, एक सीधा यहाँ का लेंगे, एक सीधा, यानी कि 5 फंदों को हम गिरा लेंगे। इस फंदे को सीधे इधर किनारे ले आएंगे और इन 3 फंदों को हम आगे ले आएंगे इस तरीके से। हो गया। और ये हमारा फंदा यहाँ पे आएगा, तो इसको इस तरीके से हम बुन लेंगे, सीधा वाला फंदा। धागा आगे करेंगे या तो इस फंदे को हम ऐसे गिरा लेंगे और 5 फंदों को हम यहाँ पे चढ़ा लेंगे। इस सीधे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बीच में 3 फंदे हैं, 1 2 और ये 3। एक फंदा हमारा नीचे आ गया है, तो ये हमारा 5 फंदा हो जाए। ये किनारे इस साइड वाला सीधा वाला फंदा है, सीधा बुनेंगे। बीच में हमारे 5 फंदे आ गए। अब किनारे हमारे 3 फंदे हो गए। इसी तरीके से इस डिजाइन को हमें बनाते चले जाना है। अगर ये डिजाइन और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को जरूर दबाएं, ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले, और शेयर करना ना भूले। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके से आया है। थैंक यू, धन्यवाद।